नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पर एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। सुबह का कारोबारी सत्र है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार आज खुला कैसा और कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कौन सी कम्युनिटीज में आज मुनाफा रहेगा और उन सब पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, इस बात पर चर्चा होगी आज। रूपा जी, यूएस सोयाबीन वायदा तो देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहा है, बीच में अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशंस पहले $1700 के नीचे जरूर गया था, 1680 से $1690 की रेंज बनी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि $1740 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने यूएस सोयाबीन को $1756 तक ट्रेड करते हुए देखा था जब रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी के आसपास। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो यूएस सोयाबीन लगातार तेजी की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण क्या क्या है और आगे सोयाबीन का बाजार ये जो यूएस में तेज हुआ है तो क्या उसका असर घरेलू सोयाबीन पर भी पड़ेगा? देखिए, जो विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है उसका असर बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक सोयाबीन की प्राइसेस की बात है, इसके बढ़ने की बात है, फंडामेंटल देखिए, सबको पता है कि इस बार क्रॉप कैसा रहा था और विदेशों में लगातार पिकअप देखने को मिला है और इस वजह से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आई और इसकी वजह से लगातार प्राइसेस जो है वो तेजी के अंदर कारोबार करते दिखाई दिए। अब थोड़ा सा ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दिया था, खाने के तेल थोड़े से सीते थे, लेकिन एक बार फिर से वापिस से तेजी जो है वो पकड़ता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मार्केट कॉन्ट्रीब्यूशन में तेजी में रहता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल बाजार तेजी में नहीं है। छुटमुट खरीदारी अभी भी बनी रह सकती है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव नहीं है तो खरीद बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार तेजी में है मार्केट। एक दो दिन हम देखते हैं कि करेक्शन आते हैं, उसके बाद फिर से भाव जो है वो उठने शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल सिनेरियो देखने को मिल रहा है जी। ये सिरपा जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में ऐसी खबरें हैं कि कॉटन का जो रकबा है बुआई का, इस बार भारत में और पूरे दुनिया भर में ज़्यादा रहेगा। लेकिन रूपा जी, पिछली बार भी हमने यही देखा था कि कॉटन का जो रकबा था ज़्यादा रहने की उम्मीद जताई गई थी, फिर मॉनसून ज़्यादा बारिश की वजह से कॉटन की जो क्रॉप है वो इम्पैक्ट हुई थी। तो आपको क्या लगता है, इस बार ये जो ज़्यादा रकबे की बातें कही जा रही हैं तो क्या कहीं ना कहीं वेदर फैक्टर भी ऐसा कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा जिससे कि जो रकबा है वो कम ज्यादा रहने के बावजूद भी कॉटन में तेजी बने, या फिर इस बार कॉटन में यहाँ पे नरमी आ जाएगी? और देखिए, अभी जो सिनेरियो है अभी के लिए, देखिए अब थोड़ा सा बाजार जो है वो नरमी की तरफ है, लेकिन आगे प्रोडक्शन कैसा रहेगा, देखिए एग्री कमोडिटीज में अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके का प्रोडक्शन रहेगा। मॉनसून के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि मॉनसून सामान्य रहेगा, लेकिन एक्चुअल में मॉनसून कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर जब क्रॉप तैयार हो जाती है, कहीं उस पर कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, जैसा कि अभी पीछे हमने देखा था कि कॉटन के ऊपर गुलाबी सुंडी का एक इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से काफी फसलें, खड़ी फसलें खराब हो गई थी। तो ये सब कुछ आगे चलकर डिपेंड करेगा कि कैसा मार्केट का जो है स्थिति रहती है, किस तरीके की क्रॉप एक्चुअल में मार्केट में आती है, उसके बाद ही क्लियर होगा कि प्राइसेस का मूव कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर एक्सपेक्टेड है कि इस बार सोइंग ज्यादा की जा रही है क्योंकि किसानों का रुझान कॉटन की तरफ बढ़ा है, क्योंकि इस बार उनको काफी अच्छे प्राइसेस मिले हैं। तो इसके मद्देनजर एक्सपेक्टेड है कि क्रॉप अच्छी आ सकती है, लेकिन बाकी अदर फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्शन का जो है फिगर निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कॉटन की प्राइसेस अच्छे खासे इस साल मिल चुके हैं, अब यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई देती जी। रूपा जी, वीट में क्या लग रहा है, वीट में क्या प्राइस की क्या रेंज रहेगी, जितने अभी तक सरकार ने फैसले लिए हैं और बाकी देशों के बयान आए हैं और प्रतिक्रिया हुई है अभी तक गेहूं को लेकर, तो गेहूं के जो दाम है वो अब किस रेंज में देखने को मिल सकते हैं? बैन के बाद उसमें भी बाजार जो है वो स्विफ्ट हो चुका है और लगातार प्राइसेस फिलहाल मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं काफी महंगा दिखाई दे रहा है और अब उसका असर जो है वो भारत के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सुस्ती के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर इसमें तेजी बन सकती है। रूपा जी, प्राइस का रेंज क्या रहेगा? देखिए, प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है अभी हम देख रहे हैं कि
जब गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा था उस वक्त भारत में गेहूं की कीमत 2300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थी, तो अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 2000 से लेकर 2100 2150 के बीच में फिलहाल मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 2000 तक मार्केट सस्टेन रहेगा, इससे नीचे फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं देती। जी इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर अब तिलहन फसलों की ऑयल सीड्स की स्पेशली सरसों की, तो अब सरसों की आवकें देख रहे हैं कि मंडियों में धीरे धीरे घट रही हैं, क्योंकि जितना भी स्टॉक होना था जितनी भी खरीदारी होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। दूसरा अब ऐसी भी चर्चाएं हैं मार्केट के अंदर कि सरसों की जो खपत है पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आयातित तेल है वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और जो अपना घरेलू सरसों तिलहन है वो सस्ती पड़ रही है, तो ऐसे में सरसों का ही रिफाइंड बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के पास इतना स्टॉक नहीं है, सरकारी खरीद कम बताई जा रही है सरसों की, तो ऐसे में क्या लगता है क्या अभी सरसों के दाम कुछ बढ़ने की उम्मीद है, या फिर जो सरसों की अभी करंट रेंज देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर उसी रेंज में अभी कीमतें रहेंगी? आज तक सरसों तेल की बात है, गिरावट के बाद एक बार फिर से मार्केट में तेजी है, एक बार भाव जो है वो उतने दिखाई दिए नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी तेज नहीं है, छुटते अभी जरूर कहा जा रहा है कि सरसों की जो है आगे चलकर अगर देखा जाए तो जैसा कि कहा जा रहा है कि सरसों की फसल उत्पादन होने का और सरसों की इस बार बिजाई भी अच्छी हुई है क्योंकि प्राइसेज अच्छी मिले, और वहीं की हरियाणा में भी सरसों की बुआई बड़े स्तर पर है, आगे चलकर हो सकता सब कुछ स्थितियाँ ठीक रही वो लाइन पर रहा तो हो सकता है कि जो है वो अच्छी उतरे और उसका सर फिर कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखिए ये तो बात तय है कि वर्ल्ड वाइड अभी एडिबल ऑयल पैक की जो है वो कमी देखने को मिल रही है, सभी तेलों के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ था लेकिन अब जो तेजी थी वो रुक गई थी, फिर भी एक रेंज देखने को मिल रही थी और अभी भी यही एक्सपेक्टेड है। मुझे खाद्य तेलों में बहुत ज्यादा यहाँ से शाई नहीं देता है, देखिए शॉर्ट टर्म में ठीक है। ये से रूपा जी बात करें अगर हम मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरा और धनिया का जो एक्सपोर्ट है इस बार काफी ज्यादा टूट रहा है। रूपा जी मसालों में देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ समय से, काफी महीनों से हम मसालों में सीमित दायरे में ही कारोबार देख रहे हैं, मसालों का बाजार ऊपरी स्तर पर स्टक हो गया है, तो आपको क्या लगता है ये जो एक्सपोर्ट डिमांड से मसालों में यहाँ पे सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, तो क्या घरेलू मांग भी उतनी नहीं है जो मसालों को तेजी की ओर लेके जाए? देखिए मसालों में मांग जो है अभी इन लेवल्स के ऊपर, देखिए आप अगर देखेंगे पीछे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्राइसेस देखेंगे तो अभी प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है, क्योंकि जो जीरा आप देखिए सबसे पहले हम जीरे पर नजर डालेंगे, अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा आज 21,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए जो पहले सस्टेनेबिलिटी थी मार्केट के प्राइसेस की वो 16,000 से 18,000 के बीच में मार्केट घूमता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब जो है 21,000 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। इन लेवल के ऊपर डिमांड जरूर कम हुई है क्योंकि प्राइसेस आप देखेंगे काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रही है, एक जो बॉटम बनना था इसका वो 20,000 के आसपास का बन चुका है, अब वहां से लगातार प्राइसेस हम देख रहे हैं कि सस्टेन करते जा रहे हैं, तो इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस के ऊपर डिमांड जो है वो जरूर कम होती हुई दिखाई दी है। सेम एज इट इज धनिया के केस में भी है, जो धनिया 7,000 से 8,000 के बीच में ट्रेड करता था वो अब कॉन्टिन्यूशन में 11,000 के ऊपर, यानी कि 10,000 तो उसका लेवल मेंटेन है और 11,000 के ऊपर भी हम लंबे अरसे से इसको देख रहे हैं कि खड़ा है। और वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हाँ हल्दी अपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर है, हल्दी में कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मूवमेंट आई नहीं है, लेकिन ये दो मसाले ऐसे हैं जिनके प्राइसेस काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है, इस वजह से यहाँ पर अब और ज्यादा तेजी पकड़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं उठ पा रही है, अगर डिमांड थोड़ी भी यहाँ से निकल कर आती है तो आप देखेंगे अगेन प्राइसेस जो है बूस्टअप होते दिखाई देंगे क्योंकि इनका फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। तो ओवरऑल जहां तक मसालों की बात है मुझे पॉजिटिव लगते हैं मसाले, मेरे हिसाब से हर निचले स्तर पर मसालों में खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। ठीक है,
रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है? कच्चे तेल में तो देख रहे हैं तेजी है, और हम देखते हैं कि जब जब अमेरिका में कच्चे तेल में तेजी आती है तब तक ग्वार की प्राइसेस उछाल मारती हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इस बार ग्वार में यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक ग्वार की बात है, गम और सीड दोनों में ही तेजी का जो है वो एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है। सीड भी अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार 6000 का स्तर वापिस से छुएगी और 6000 के ऊपर सस्टेन करेगी। गम ऑलरेडी सस्टेन है और मुझे बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार कच्चा तेल तेज हो रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट गिर नहीं पा रहा है गम का। तो अब यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि जो रेंज है इसकी 10,800 से लेकर ऊपर में 11,800 तक की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मुझे 11,200 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये 11,400 तक ऊपर एक बार फिलहाल जा सकता है। जून वायदा, वहीं जुलाई की बात करें तो जुलाई में 11,800 से 12,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए, एग्री कमोडिटीज में फिलहाल तो सारा मार्केट जो है अभी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ हफ्ते से हम कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आते हुए देख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से फिर थोड़ा सा उठता हुआ दिखाई दे सकता है। जुलाई वायदा में 6000 के स्तर के लिए ग्वार सीड में बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा ओपन हुआ है और उस पर रुपए मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि लगातार मुनाफे की खबरें यूं ही आती रहेंगी मार्केट एमसीवी पर।